So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, you know, the reason is it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick, and plus I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Burumunaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7, right here on Today FM, today's hit music. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं शनल शिवन। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अय्यर सैयद कय्यूम ने आज संसद में ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट को पेश किया। पिछले छह सालों की ये ऑडिटर जनरल्स रिपोर्ट 29 बुक्स में कंपाइल किया गया है। सैयद कय्यूम के अनुसार रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सरकार ने कैसे पिछले सालों में फंड्स को इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल के अनुसार 2006 के रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है जिसे अगले महीने आम किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ग्लोबल इबोला क्राइसिस से बचने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स तैयार कर रहे हैं। असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज वीना भटनागर का कहना है कि देश में अगर कोई भी इस बीमारी से पीड़ित होकर आते हैं तो इसे निपटने के लिए मल्टी एजेंसी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप योजनाएं बना रही है। पैसेंजर्स जो पहले वेस्ट अफ्रीका जा चुके हैं को देश की बॉर्डर्स पर एक क्वेश्चनियर द्वारा स्क्रीन किया जा रहा है ताकि अगर जरूरत पड़े तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। बायोसिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ फिजी ने लोटोका में टर्माइट्स की दिखने की पुष्टि की है। BAF एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ज़ेवियर रियाज खान के अनुसार अभी टर्माइट्स संख्या ज्यादा रहेगी तथा लोगों को यह ध्यान में रखना है कि उन्हें घरों में टर्माइट्स की नई कॉलोनी ना बन पाए। लोगों से मांग की जा रही है कि वे अपने घरों के खिड़की तथा दरवाजे 6:30 बजे से शाम 8 बजे तक बंद रखें तथा घर के बाहर छोटा सा आग जलाएं। टर्माइट की संख्या सितंबर से नवंबर तक ज्यादा रहती है तथा इस दौरान ये अपने नेस्ट बनाते हैं। और खेलकूद की खबरों में फिजी मिलिट्री फोर्सेस ने आज फिजी पुलिस फोर्स को 2014 सुकुना बाउल के लिए चैलेंज किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस बेन होनेवाल ने चैलेंज रिसीव करते हुए कहा कि भले ही ये उनके लिए ये पहली बार है, पुलिस से सुकुना बाउल जीतना आसान नहीं रहेगा। RFMF लैंड फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चौने कलनवाई ने कहा कि पुलिस फोर्स को सिर्फ नंडरोंगा रग्बी टीम ही हरा सकती है जिस कारण उनके टीम में कई नंडरोंगा प्लेयर्स रहेंगे। मैच 31 अक्टूबर को ANZ स्टेडियम पर खेला जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। देश की धड़कन वेरी फिजिटो का प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। सुंदर ये मौसम और ऐसे मौसम बाहर में आप भी कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, आपको शामिल कर रहे हैं और साथ में गुड मॉर्निंग आपको हम कहना चाहेंगे। अगर www.fbc.com.fj पर आप हमें सुन रहे हैं, हमसे वह प्रोग्राम आपके लिए जारी है। सुबह 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे। गुड मॉर्निंग आपको, अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए। रेडियो फिजिटो पर हम सफर प्रोग्राम हर सुबह 6 से 9 बजे तक। ज्वाइन अस।